चेतन विभूतिनाथ के चेहरे को देखकर सन्न खड़ा हुआ था। उसके एक्सप्रेशंस इस तरह से थे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वो तुरंत ही दो कदम पीछे हट गया और कालदूत से बोला, कालदूत, ये आदमी तो। तभी कालदूत हंसते हुए बोला, हाँ चेतन, सही समझे, ये आदमी अजरनाथ ही है जो हमेशा तुम लोगों से टकराता रहा। अंत में मारा भी गया, लेकिन रुको, कोई निर्णय लेने से पहले पूरी घटना को देख लेना, क्योंकि इसमें भी कई राज है। तब चेतन का कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया और वो अपनी भौंहें चढ़ाते हुए बोला, लेकिन कालदूत, कैसे राज? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अभिराज, ये अंतिम क्रिया, ये सब आखिर चल क्या रहा है? और उसे तारक कलश के बारे में कैसे पता? ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस अजरनाथ ने अच्छाई का ढोंग दिखाकर दद्दा जी को काफी समय तक बेवकूफ बनाया, लेकिन फिर अब तक दद्दा जी ने इस बारे में कोई बात क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि दद्दा जी को अब तक इसकी सच्चाई पता ही नहीं है? तब कालदूत बोला, हो भी सकता है कि अब तक ये महाशय अपनी सच्चाई छिपाने में सफल रहे हो। आखिर माजरा क्या है, ये तो हमें आगे देखकर ही पता चलेगा। ये सुनते ही चेतन कालदूत पर चढ़ गया। कालदूत, डोंट मेक मी फूल, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुमको जानते ही नहीं। भूलो मत कि हम तुम्हारी ही यादों में हैं। तो चलो तुरंत बताओ कि आखिर सच क्या है। ये सुनकर कालदूत ने भी चेतन की बात को काटते हुए कहा, अच्छा, अगर सारी बातें मुझसे ही सुननी थी तो फिर यहाँ आने की जिद क्यों की? मुझे लगता है कि तुम्हें आगे नहीं देखना है। ठीक है, मैं अपनी उंगलियां तुम्हारे सिर से हटा लेता हूँ। तभी चेतन तुरंत उसे रोकते हुए बोला, अरे अरे कालदूत, तुम तो खामखा सीरियस हो रहे हो। ठीक है, नहीं होता हूँ मैं उतावला, देख ही लेता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। आजकल तुम बहुत अकड़ू हो गए हो। ये कहते हुए चेतन दोबारा से उन दोनों के आसपास पहुंच गया, जहां वो दोनों अग्नि के सामने एक दूसरे के ऑपोजिट बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। कुछ मंत्र खत्म होते ही विभूति ने कहा, वत्स, चूंकि इस क्रिया के पूर्ण होने के बाद तुम और मैं लगभग एक ही व्यक्ति बन चुके होंगे, तो मेरी सारी स्मृतियां भी तुम्हारी हो जाएंगी। अब क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें जो फैसले लेने हैं खुद ही लेने होंगे, फिर भी मैं एक ऐसी घटना तुमसे बांटना चाहता हूँ जो कि बेहद जरूरी है। हालांकि मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बताने का सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा ये दिन ही सही रहेगा। ये सुनकर अभिराज हैरानी से बोला, जी गुरुदेव, बताइए, ऐसा क्या है आपकी याद में जो मुझे जानना जरूरी है? तब विभूति जवाब देते हुए बोला, वत्स, इस विद्या को अर्जित करने के बाद तुम रक्षक कुल के सामने जाओगे तो चेहरा बदलने के बाद भी अरुणोदय तुम्हें पहचान लेगा। जैसे ही अभिराज ने विभूति के शब्द सुने तो वह हैरान रह गया और बोला, ओह, तो इसका मतलब उसने आपको पहले भी देख रखा है। लेकिन कैसे गुरुदेव, आप तो सदा ही जंगल में रहे हैं। तभी विभूति अपनी नजरें झुकाते हुए बोला, नहीं वत्स, ये सच नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया भी था। कई साल पुरानी बात है, जब मैं नया नया विद्या सीख कर दोबारा गांव लौटा था, तब मेरी मुलाकात अरुणोदय से हुई थी। मैंने उस वक्त खूनी वधु के मामले में मदद की थी, जब खूनी वधु लावण्या के शरीर में थी। असल में तब मेरे ये विचार नहीं थे जो आज है, और तब मैंने वो गलती की थी जो शायद आगे जाकर तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। एक किताब है जिस पर मैंने एक ऐसा जादू कर दिया था जिससे कि वो किताब जीवित श्रेणी में जा चुकी है, और वो समय समय पर अरुण की मदद करती रहेगी। तुम्हें उस किताब को भी ढूंढना है और उसे नष्ट करना है। वैसे तो किताब मैंने अरुणोदय को दी थी, लेकिन अब नहीं पता कि वो कहाँ होगी। ये सुनते ही चेतन बोला, ओह, तो ये चित्रलेखा किताब के बारे में बात कर रहा है। अपनी बात पूरी करने के बाद विभूतिनाथ और अभिराज दोनों खड़े हो गए। तब विभूति अभिराज से बोला, अपना हाथ आगे करो। जैसे ही अभिराज ने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे धागे से बांधते हुए बोला, तो वक्त आ गया है मेरी शक्तियों को अपनाने का और एक नया चेहरा और नया नाम प्राप्त करने का। तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे जाते ही तुम पहचाने जाओगे मेरे नाम अजरनाथ से। बस तुम नाम की वास्तविकता को पूर्ण कर दोगे, वचन दो। विभूति की बात सुनकर अभिराज मुस्कुराकर बोला, शौक से गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ।
ये कहते हुए उसने जैसे ही अपना आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया, अभिराज का चेहरा, उसकी ऊंचाई और थोड़ी उम्र, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे अभिराज में बदलाव होते, विभूति के शरीर के अलग अलग हिस्से रेत में बदल कर हवा में बिखर रहे थे। थोड़ी ही देर में विभूति का पूरा शरीर रेत में तब्दील हो गया। और जितना अभिराज अपने शारीरिक बदलाव को देखकर आश्चर्य से भरा हुआ था, वहीं लगभग उतना ही आश्चर्य चेतन के मन में भी था। एकाएक अभिराज जैसे ही अजरनाथ की आवाज में जोर से हंसा तो पूरा माहौल थर्रा उठा। और आखिर में अभिराज अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाकर बोला, अब लौटेगा अजरनाथ, अपना और अपने गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। वहीं दूसरी ओर चेतन को भी कुछ कुछ कहानी समझ आ गई थी। तब वो कालदूत से बोला, तो इस तरह अजरनाथ ने लंबा जीवन जिया, इसका मतलब वो अपनी अमरता के झूठे दावे करता था, और वर्तमान में जो मरा है हमारे हाथों, वो रियल अजरनाथ नहीं बल्कि अभिराज ही था। ओ गॉड, मैं क्या जानने आया था और ये क्या पता चल रहा है। ये सारी बातें जानने के बाद चेतन वहां से तुरंत निकल गया और वो विभूति के बारे में, साथ ही अभिराज के बारे में सोचते हुए कालदूत से बोला, लेकिन कालदूत, अभी भी मैं ये समझ नहीं पाया कि खूनी वधू का इन सब से क्या संबंध, वो इन सब से कैसे जुड़ी है। तब कालदूत बोला, बंधु, तुमने सब्र किया था तो फल मिला था ना, अभी भी मिलेगा, जरा धीरज रखो और अरुणोदय जी के घर जाओ। तब चेतन ने भी कुछ सोचकर कहा, शायद तुम ठीक कहते हो, इतना सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर वो भी पता चल जाएगा। वैसे एक बात जरूर समझ आ गई है कि अजरनाथ कोई नाम नहीं है, ये तो ओहदा है। मुझे तो लगता है कि अगर अभिराज खूनी वधू के हाथों मारा ना जाता तो वो भी इस विभूति की तरह किसी न किसी को ढूंढ ही लेता, जिसे वो अपनी शक्तियों को अपने नाम के साथ सौंप देता। दोनों बात करते करते अभी अरुणोदय जी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। तभी चेतन घर के भीतर चला गया, जहां का माहौल पूरी तरह चिंताओं से घिरा हुआ था। आचार्य समेत अन्य लोग किताबों वाले कमरे में बैठे हुए थे। तभी आचार्य बोले, देखो बच्चों, असल में जितना पता मैं कर पाया हूँ, इस हिसाब से अभिराज सम्राट को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है, लेकिन देखा जाए तो अंततः वो भी गलत ही कर रहा है। तभी महेंद्र तंत्र की एक किताब में नजरें गढ़ाए बिल्कुल धीमे स्वर में बोला, लेकिन आचार्य, जितना आपने बताया उस हिसाब से तो सम्राट और सेनापति सुकेत दोनों ने ही गलत किया था, उन दोनों के कारण ही आज अभिराज इस रास्ते पर निकल आया है, इस लिहाज से तो दोषी सम्राट भी है, तो फिर हम दोषियों का साथ क्यों दे। ये सुनते ही वेदानंद भी बोला, मैं बच्चे महेंद्र से सहमत हूँ आचार्य। उन दोनों की बातों ने कमरे में सन्नाटा फैला दिया। लेकिन तभी अरुणोदय ने कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सम्राट ने और उनके सेनापति ने गलत किया, लेकिन किसी इंसान की हत्या करना इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए, इससे नफरत सिर्फ बढ़ जाती है। कल को अभिराज इसी नफरत को केंद्र में रखकर और भी लोगों की हत्याएं कर सकता है। आज अगर वो सम्राट को मारने में सफल हुआ तो उसका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। गलत काम की सजा हमेशा गलत काम करके नहीं दी जा सकती, कभी कभी सकारात्मक सोच भी सजा दे सकती है। अभिराज चाहता तो सम्राट का असली चेहरा पूरे गांव के सामने लाता, लेकिन नहीं, उसने उन्हें मारना ज्यादा जरूरी समझा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि बदलाव उसका मुख्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि सम्राट को मारकर सम्राट से भी ऊपर खुद को दिखाना उसका लक्ष्य है, बस हमें वही करने से उसे रोकना है। तभी वेदानंद ने सारी बातें सुनकर गंभीरता से कहा, लेकिन खूनी वधू भी उसी के कब्जे में है, उससे बच पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है खूनी वधू को कैद करना उसकी बहुत पुरानी योजना थी। इन सारी बातों के बाद आचार्य उठकर खड़े हुए और सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा। उसके बाद आचार्य ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पलों में उनके दोनों हाथों से बेहद खूबसूरत चमकीला प्रकाश निकलकर धीरे धीरे उन तीनों के हाथों तक पहुंचने लगा। तब ये देखते ही महेंद्र आश्चर्य से बोला, आखिर ये सब क्या है गुरुदेव। इसके जवाब में आचार्य बोले, ये वो मंत्र थे जिनका प्रयोग कर पाने में मैं अब पूरी तरह से असमर्थ हूँ, इसलिए मैंने ये मंत्र तुम लोगों को सौंप दिए हैं। ध्यान रहे, हमारा मुख्य लक्ष्य पहले खूनी वधू को उससे अलग करना है और सम्राट को बचाना है।
दूसरी तरफ अभिराज भी अजयनाथ का रूप लेकर अब राजा को जान से मार देने के लिए निकलने को तैयार था। इतना पढ़कर शेखरन की एक किताब खत्म हो गई। वो उस किताब को बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, हो तो आखिरकार अभिराज ही अजयनाथ बन गया। इतना कहकर शेखरन उस किताब को रखते हुए बोला, फिलहाल बहुत पढ़ ली है किताब, काफी देर भी हो चुकी है, मुझे अब जाकर वीर सिंह से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। इतना सोचकर शेखरन वीर सिंह के घर की ओर निकल गया। जब शेखरन वीर सिंह के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वीर सिंह घर के बाहर बैसाखी के सहारे धीरे धीरे टहल रहा था और माही उसकी मदद कर रही थी। शेखरन माही को देखकर थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर मन ही मन खुद से बोला, लगता है इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिलेगा इससे मिलने के लिए, मुझे अभी ही जाना चाहिए इससे मिलने। ये सोचकर दो कदम उसने आगे बढ़ाए ही थे कि तभी वो दोबारा खुद से बोला, नहीं नहीं, मुझे इससे अकेले में बात करनी है, घर के लोगों के सामने कैसे कह पाऊंगा कि मैं उसके तंत्र मंत्र की मदद करने आया हूँ, किसी ने सुन लिया तो शायद मेरा मजाक बन जाएगा। असल में शेखरन ने माही को पहले कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि फूलपुर वाली लड़ाई में भी नहीं, इसलिए वो सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, अगर ये बात गांव के लोगों तक पहुंच गई तो समस्या बढ़ सकती है, बड़ी ही मुश्किल से मैं सरपंच जी का विश्वास जीत पाने में सफल हुआ हूँ, इसलिए किसी के सामने ये बात करना सही नहीं है, मुझे और कुछ देर इंतजार करना चाहिए। ये सोचते हुए शेखरन वही टहलने लगा। देखते ही देखते लगभग एक घंटा बीत गया, लेकिन माही और वीर सिंह किसी मुद्दे पर चर्चा करते रहे। तब एक बार फिर शेखरन मायूसी भरी आवाज में बोला, लगता है आज फिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, चलो चलता हूँ, दोबारा कोशिश करूंगा। ये कहते हुए वो वापस जाने के लिए मुड़ गया और अचानक चिढ़ते हुए बोला, मैं ही मूर्ख हूँ, उस दिन अस्पताल से निकलने की जल्दबाजी ना की होती तो तभी बात हो जाती, इस तरह किसी के घर के सामने इंतजार ना करना पड़ता, अब तो बस एक यही रास्ता रह गया है। अभी उसने दो चार कदम आगे लिए ही थे कि तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे भाई शेखरन। ये सुनकर जैसे ही शेखरन पीछे मुड़ा तो देखा कि सरपंच जी गांव के किसी आदमी के साथ चले आ रहे थे। वो शेखरन के करीब आकर बोले, और फिर मिल लिए वीर सिंह से? ये सुनते ही शेखरन एकदम से घबरा गया, वो मन ही मन थोड़ा डरे हुए भाव में सोचने लगा, इन्हें कैसे पता चला, मैंने तो इस बारे में किसी को नहीं बताया। तब सरपंच जी तुरंत उसका ध्यान भंग करते हुए बोले, क्या हुआ बेटे, कहाँ खो गए? तब शेखरन अनजान सा चेहरा बनाते हुए बोला, वीर सिंह से मिल लिए, मतलब मैं कुछ समझा नहीं सरपंच जी। तब ये सुनते ही सरपंच जी हंसते हुए बोले, अरे तुम वीर सिंह के घर के पास से गुजरते नजर आए तो मुझे लगा उससे मिलने ही आए होंगे। ये सुनकर शेखरन की जान में जान आ गई। इस बात के जवाब में शेखरन ने ऐसा बिहेव किया जैसे वो कुछ जानता ही नहीं, तो वो तुरंत बोला, अच्छा तो यही कहीं आसपास ही वीर सिंह जी का घर है, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस गुजर रहा था यहाँ से। ये सुनते ही सरपंच जी तुरंत बोले, तो चलो आओ, यहाँ तक आ ही गए हो तो मिल भी लो, मैं खुद भी उसके हालचाल पूछने ही आया था। दूसरी तरफ चेतन की यात्रा भी जारी थी, आज उसे भी काफी सारी बातें पता चली थी। चेतन वही खड़ा काफी देर तक अभिराज को देखता रहा। अभिराज खुद को मिले इस नए शरीर और चेहरे को पाकर बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। वो अपने आप को देखते हुए बोला, ये शक्तियां, ये शरीर और नया चेहरा, इन सबको अपनाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब समय है कुछ अधूरे कामों को पूरा करने का। गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने की शुरुआत होगी उस सम्राट के अंत से, उसे सबके सामने मारकर मैं लोगों के मन से उसका शासन समाप्त कर दूंगा और इस तरह होगी एक नए फूलपुर की शुरुआत। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ा और ठीक अपने गुरु की तरह उनका लकड़ी का दंड अपने हाथों में उठाते हुए बोला, अजरनाथ, अब मैं हूँ अजरनाथ, सम्राट अब बच सकते हो तो बच लो, क्योंकि तेरी मृत्यु तो निश्चित ही है। इतना कहकर इस नए अजरनाथ ने महल की ओर अपने कदम बढ़ा लिए और चेतन उसे हैरानी से देखता रहा। क्या अजरनाथ उस पूरे क्षेत्र की सेना का सामना करते हुए सम्राट की हत्या कर पाएगा, और क्या रक्षक समूह इस नए और शक्तिशाली अजरनाथ को रोकने में सफल हो सकेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी।